ये लो, आप सफिया को कॉल करें, उससे पूछ लें उसने गिफ्ट दिए कि नहीं दिए, मैं उसके साथ थी या नहीं थी, पूछ। बस करो, किसी की गवाही नहीं चाहिए मुझे। लेकिन फैजा कान खोल कर सुन लो, अगर ये सच है तो ठीक है, लेकिन अगर ये झूठ साबित हो गया तो तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा, वो हशर करूंगा, याद रखूंगी, समझ आई? अल्लाह का शुक्र शहूद ने फोन नहीं लिया, वरना आज तो मैं गई थी। लो रुशना, आज तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। कितना शौक था मुझे इस तरह का ड्रेस पहनने का, और दुपट्टे के फंदे से जान भी छूट गई। दादी जान, आज तो दुपट्टे को ही खैराबाद कह दिया मैंने। आप अगर देख लेते तो हार्ट फेल हो जाता आपका। क्या बात है, इन कपड़ों में तो जनाब आप बहुत हसीन लग रहे हैं। मैं तो हमेशा लगती हूँ। तुम्हें पता है जिब्रान, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे कपड़े पहनूं, मगर मेरे घर वाले तौबा तौबा, वो तो कहते थे नॉर्मल से दुपट्टे को भी चादर की तरह ओढ़ो। और मेरी दादी जान, वो तो हमेशा कहती थी दुपट्टा सही से ओढ़ो, सर पे पहनो, उनका बस चलता रहा तो वो मुझे अबाया उड़ा देती। कोई बात नहीं, इस वक्त आप हमारे घर में, आपके दादी जान का घर नहीं है, आपको जिस किस्म के कपड़े पहनने आप पहन सकती हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दुबई में जाकर आप सारी ऐसे कपड़े खरीद लीजिएगा, क्योंकि इन कपड़ों में आप ज्यादा हसीन लग रही हैं। आप चलें? चल। प्लीज। अच्छा हुआ तुम आ गई गुल, यूसुफ भी सो गया है और असद भी आज इतना काम लेकर आए ना ऑफिस से, मैं इतनी बोर हो रही थी। अच्छा तुम्हें पता है कि दादी तुम्हारे लिए फिर से रिश्ता ढूंढ रही है? जी मालूम है। एक बात पूछूं? पूछें। कभी तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आया गुल, मतलब लाइफ पार्टनर के तौर पर? क्या फर्क पड़ता है भाभी, अगर मुझे कोई पसंद भी आता है, किसी को मैं पसंद आऊं ये बड़ी बात है, मुझमें तो कोई ऐसी खूबी नहीं है कि कोई मुझे पसंद करे, और अब तो एक टैग भी लग गया मनहूस होने का।